ओए गाल सुनो भाई, तेरे छोकरे को पसंद नचिया देखना किसी को हिकमत ही पता नहीं। देखो भाई छीन गया भाई उस्ताद जी, कितनी देर इसको उबालना है? 5 मिनट। 5 मिनट सिर्फ? 5-6 मिनट। ये पहले पानी बॉयल करते हैं, जब पानी फुल बॉयल हो जाता है इसके बाद हम इसको डोके को डाल लेते हैं और इसके बाद इसके अंदर कलरिंग एजेंट डालते हैं ताकि इसकी ये जो मैल है ना ये ऊपर आ जाए। तो 5 से 7-8 मिनट के दौरान, यानी 5 से 8 मिनट तक इसको बॉयल करते हैं, फिर इसको जो है हम निकाल लेते हैं। मैं इसकी ना पूरी वीडियो बनाऊंगा जब इसको निकालेंगे। ये हमारे उस्ताद हैं मोहम्मद पुनल, कंदकोट, ज़िला कश्मीर सिंध से हैं, एक्सपर्ट हैं, इसका हमें माहिर हैं। हेलो, ये हेल्पर है रेशम खान, ये डेरा इस्माइल खान की जान है रेशम खान। देखे ताकत है थोड़ा है तो हम कर गाल है, तो इसको मुसलसल हिलाते रहना है क्योंकि अगर इसको मुसलसल हिलाएंगे नहीं तो इसके अंदर से जो है ना मैल नींद से निकलेगी और छोरा पकेगा नहीं। वो छोरा जाई जो छो साफ कटे दो माचो, जाई जो छो साफ कटे दो हम इसको बॉयल करने से पहले इसको प्री वॉश करते हैं पानी में डालते हैं। पहले इसको इस तरह वहाँ से उतारते हैं जैसे इन भी उतार रहे हैं, इसको सेपरेट करते हैं जो गंदे दाने होते हैं उनको निकाल लेते हैं मिट्टी वाले और ये गले सड़े हुए। फिर इसकी जो ना इसके नीचे आग देखें, ये आ गए इसके नीचे। हाँ जी इसकी मैल ऊपर आ रही है, इसको यहाँ से निकाल लेते ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में ज़िला डी आई खान है, उसका इलाका ढक्की के करीब ये दूसरा गांव है कीड़ी खसौर के अंदर एक छोटी सी बस्ती है दूरी ख्याल, यहाँ पे बंद है छोरा। सर ये क्यों करें भैया? अच्छा मैल को एक साइड पे करने के लिए, देखिए मैल इकट्ठी हो गई है। ये पीला पीला नजर आ रहा है, ये पीला जो है ये इसका कलर हो जाता है, तो इसमें कोई और यानी कि कोई रंग वगैरह कुछ भी नहीं डला हुआ, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कलरिंग एजेंट रहता है जिसको रंग काट कहते हैं, जो हम लोग गुड़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुड़ बनाने में जब मैल निकालते हैं ना उसमें भी रंग काट इस्तेमाल होता है, ये वही रंग काट है, ये काफ़ी महंगा होता है। रंग काट का मकसद ये होता है कि इसके अंदर से मैल निकालता है और इसको जो है ना खूबसूरत बनाता है। ये देखें जब ये बिल्कुल फटना स्टार्ट हो जाए, फटने से 1-2 मिनट पहले इसको निकाल लेते हैं। अब क्योंकि ये जो बनाने वाले होते हैं उनको पता होता है कि कब ये फटता है, कितने टाइम है ना, तो इसको बार बार चेक करते रहते हैं निकाल के। बस ये तकरीबन 4 मिनट 40 सेकंड हुए जब हमने डाला था इसको, यानी कि डोके को डाला था इस इधर बॉयल होने के लिए, तो ये तैयार है। फिर इसके बाद ये पूरी जो मैल होगी ये निथार लेंगे दोबारा, ध्यान
इसको दोबारा निथार लेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर हाँ ए सईद उस लड़के दिए हाँ इन्हें रूपुर रख छोड़ो ये देखें जी अब इसके अंदर नया पानी फिर डालेंगे जितना पानी बॉयल हो जाता है एवोपरेट हो जाता है उसको दोबारा नया पानी ऐड करते हैं इसमें ये यहाँ पे जनाब आ गए ये देखें कितना खूबसूरत कलर है इसका इसको बड़े एहतियात से थोड़ी देर यहाँ पे रखेंगे फिर इसको धूप में इसको जो है ना वहाँ पे बिछा देंगे इसको यहाँ पे इस जगह पे ये किसी दोस्त का वो यहाँ से थोड़ी देर बाद उठा के घर ले जाएगा तो आपके सामने ये जो बॉयल हुआ पड़ा है ये दो दिन पहले बॉयल हुआ जरा देखें इसका कलर इतना खूबसूरत है अगर बारिश वगैरह ना लगे तो फिर तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होता है बस सिर्फ बारिश इसके लिए जहर होती है ये देखिए डोका पड़ा हुआ है ये चूँकि अब सीज़न ख़त्म होने वाला है इसका सीज़न 15 सितंबर तक होता है तो जैसे जैसे सीज़न ख़त्म होता जाता है ये डोका जो है ना खुद खुद खजूर बनना स्टार्ट हो जाता है बाद में ऐसे डोके कम रह जाते हैं खजूर बनना स्टार्ट हो जाता है खुदा न खासा बारिश लग जाए ना फिर और ज़्यादा नुकसान हो जाता है हाँ ठीक है ये इसके अंदर पानी डालेंगे 5-6 बाल्टी और उसके बाद इसको फिर बॉयल करेंगे फिर उसके बाद वो डालेंगे डोके डालेंगे और उसके बाद रंग कार्ड डालेंगे और साजी कोई पैगाम है अभी प्रोग्राम बनेंगे पैगाम कोई नहीं उस्ताद कह रहा है कि बस मैंने घर जाना है उस्ताद शिकार करते कहते हैं शिकार के लिए जाना है देर लेट हो रहा हूँ मैं तो कहते हैं जल्दी से जल्दी खजूरें काटे मैंने घर जाना है वापस सिंध जाना है ये उस्ताद 12 अगस्त को आया था अभी तो बहुत दिन हो गए दिल कर रहे हैं बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत इंसान है माशाल्लाह बड़ा प्यारा बंदा है अल्लाह ताला से खुश रखे अगले साल इंशाल्लाह फिर इनको बुलवाएँगे इधर मौसम बड़ा अच्छा है खुशगवार मौसम है हवा चल रही है ये अभी जो निकाल रहे हैं हमने छुरा निकाला है इसको मैं आपको ना उसकी वीडियो दिखाता हूँ ये देखें ये कुछ दाने ऐसे हो जाते हैं जो बिल्कुल ही वो पके हुए होते हैं ना ज़्यादा खजूर बने होते हैं हाफ खजूर होती है वो ऐसे हो जाते हैं अदरवाइज ये बहुत गर्म है खान साहब हाथ में बैठे एक खान है आसिफ खान हाथ में रहना बैठा आसिफ खान ने गुरबत बूंदा डी तो ये बड़ा मस्त जना ये वो मस्त जना ठीक है जी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है।